वेलकम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स आई एम मोहम्मद अरफात खान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ओके दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दिस वीडियो इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल वॉट आर डायमेंशनस डायमेंशनस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनकी डिफरेंट डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ ली थी उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं भले वो फंडामेंटल हो भले वो डिराइव्ड हो हमने बहुत सारी फ़िजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को भी निकालना सीखा था ठीक है अगर आपको याद हो तो तो वो व्यूअर्स वो स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली इस पार्ट टू को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं विदाउट वाचिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो चेक कर लें वो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डायमेंशन क्या होते हैं हम डिराइव कैसे करते हैं क्योंकि उस दिन जो हमने डायमेंशन कैलकुलेट की थी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की आज हम उनको डायरेक्टली यहां पर यूज करने जा रहे हैं मैं आपको डिराइव नहीं करवाऊंगा आज डायरेक्टली यूज करने जा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें उसके बाद अभी सेकंड वीडियो देख सकते हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अच्छा भाई आज की वीडियो में हम लोग जो है वो दो चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं या यूं कह लो कि वो एक ही चीज है इसके दो पार्ट्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबसे पहले इस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है इसी वीडियो के इस कॉन्सेप्ट इस को पढ़ने के फौरन बाद हमें जो है वो मैं आपको आपके सामने यहां पर कुछ इक्वेशंस लिख दूंगा और हमें उन इक्वेशंस को चेक करना होगा कि क्या वो इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है अच्छा ये डायमेंशनली करेक्ट होना क्या होता है और ना होना क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा फिलहाल तो इस वीडियो के हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज टू पार्ट्स नंबर वन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड नंबर टू वी आर गोइंग टू प्रूव द डिफरेंट इक्वेश वेदर दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां से स्टार्ट करते हैं अच्छा एक काम करता हूं कि मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेफिनेशन आपको लिखवाने से पहले इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती क्या है अच्छा देखें आपके सामने एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी मुझे इस इक्वेशन को देखिएगा से हमने एक इक्वेशन लिखी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है लाइक वी एफ प्लस एन टू टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू वी आई प्लस ए टी और समटाइम्स इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ए की बात है सो so, वी और वी एफ फॉर फाइनल वेलोसिटी वी आई और यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी ए फॉर एक्सेलेशन एंड टी फॉर टाइम तो कभी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है और कभी इस फॉर्म में लिखी होती है कोई बात नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है बात एक की है इक्वेशन नंबर वन है यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है अच्छा चले इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल अच्छा अब अगर मैं इस इक्वेशन पर गौर करूं तो इस इक्वेशन में मुझे तीन टर्म्स नजर आ रही हैं सबसे पहली टर्म ये रही फाइनल वेलोसिटी दूसरी टर्म ये रही इनिशियल वेलोसिटी और तीसरी टर्म कलेक्टिवली ये ली मतलब ए इंटू टी यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड में होते तो मैं इसको काउंट करता है ये एक ही टर्म है तो भाई इस इक्वेशन में हमें टोटल तीन टर्म्स नजर आ रही हैं वन टू एंड थ्री ठीक है अच्छा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बताता है कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड्स पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जितनी भी टर्म्स आ जाए जितनी भी टर्म्स आ जाए टर्म जैसे यहां पर फिलहाल तीन है हर एक टर्म की डायमेंशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए बिल्कुल सेम होती है ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या दोबारा रिपीट करूं किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आ जाए हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी मैं इसको अप्लाई करके चेक करवाता हूं इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो डायमेंशन वी एफ की होगी वही डायमेंशन एक्जैक्टली वीआई की होनी चाहिए और वही डायमेंशन एग्जैक्टली ए टी की होनी चाहिए मतलब सिर्फ ए की या सिर्फ टी की नहीं बल्कि ए टी दोनों की होनी चाहिए अब इसको प्रूव करके चेक करते हैं देखो भाई मैंने आपको बताया था वेलोसिटी वेलोसिटी भले भले फाइनल हो या इनिशियल हो वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने लास्ट टाइम क्या कैलकुलेट करी थी हाँ भाई इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने कैलकुलेट करके बताई थी आपको क्या थी एल टी इन एल टी पावर माइनस वन यह भी वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए एल टी पावर माइनस वन तो देखो ये बात प्रूफ हो गई इस टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है अच्छा अब इसकी क्या करें इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छा हमें पता है कि एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी पावर माइनस टू की इन टू इन टू के बाद कौन है टाइम और टाइम की डायमेंशन मैंने आपको क्या बताई थी कैपिटल टी तो जनाब माइनस टू और प्लस वन हमें पता ना बेसिस अगर सेम होती है तो, पावर्स को कर लेते हैं। तो पर टी के पावर माइनस टू है और पर कुछ नहीं है तो प्लस वन है। तो टू प्लस वन क्या वन। है क्या आंसर आएगा इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन इन तीनों टर्म की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स आ रही हो हर एक टर्म की इक्वेशन सॉरी इक्वेशन नहीं डायमेंशन हर एक टर्म की डायमेंशन सबकी डायमेंशन सेम होंगी और होनी चाहिए दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ आई बात अच्छा ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन एक और को चेक कर लेते हैं वेल well, सपोज मैं आपके सामने एक और इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं नीचे uh, यही लिख देते हैं चले। ये थी फर्स्ट इक्वेशन नंबर प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वायर क्या हमारे पास इक्वेशन है काउंट करें इसमें टर्म्स कितनी आ रही है आप बोलेंगे सर इसमें टर्म कितनी आ रही है नंबर वन टर्म नंबर टू टर्म ऐसे नहीं वी को अलग और टी को अलग काउंट करोगे नहीं ये मल्टीप्लीकेशन में है ये एक ही काउंट होगा ये एक टर्म है पूरी कलेक्टिवली आई इन टू टी ये एक so, तो बोलेंगे सर सेम देर आर थ्री टर्म्स बट देर आर डिफरेंट टर्म्स इसकी टर्म्स और इसकी टर्म्स में फर्क है अच्छा एस क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस होता है मैं आपको बता चुका हूं इसकी जो एस की जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल एल कैपिटल एल है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग लिखते हैं हमेशा डायमेंशन को ये भी मैं आपको बता चुका हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो भाई डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई कैपिटल एल वी आई टी कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन में नीचे कर रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है ल, टी पावर वन। इन्टू, इन्टू, इन्टू मतलब स्मॉल टी है और स्मॉल टी यानी कि टाइम की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल टी तो भाई देखो माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल हो गया तो इसका मतलब इस टर्म की जो डायमेंशन बच रही है वो सिर्फ क्या बच रही है कैपिटल एल ऐसा है तो भाई आपने दो प्रूफ कर दी कि इस टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन बिल्कुल सेम है रह गया क्या स्क्वायर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हाफ एक नंबर होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती हाँ एक्सिलेशन की होती है और वो क्या होती है एल टी पावर माइनस टू इन टू इन टू के बाद टी है मतलब टाइम और उसके ऊपर इसकी डायमेंशन पर भी स्क्वायर तो देखो माइनस टू और प्लस टू कैंसिल सिर्फ और सिर्फ इस टर्म की डायमेंशन क्या बची हुई है कैपिटल एल हेल्स प्रूफ इसका मतलब इस इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जितनी भी टर्म्स आनी है हर एक टर्म की डायमेंशन बिल्कुल सेम है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ आई अब जो तरीका मैंने आपको समझाया आप इस तरीके को फिजिक्स की जितनी भी इक्वेशन आपके पास एग्जिस्ट करती हैं हर इक्वेशन पर अप्लाई करके चेक कर लो आपका हमेशा आंसर सेम आएगा हर टर्म की डायमेंशन बिल्कुल सेम आनी चाहिए और लाजमी आएगी दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये काम ही करते हैं ये जो मैंने आपको प्रूफ करवाई बात अब इस बात को हम यहां पर डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन यहां पर लिखवा देता हूं किसकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन के क्या लिखनी चाहिए डायमेंशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन

मतलब सेम होता है ठीक है भाई यह हम लोगों ने डेफिनेशन समझ कर लिखी है पहले से नहीं लिखा है आपको। पहले आपको समझाया। आपके सामने बोर्ड पर प्रूफ करवाई ये बात और प्रूफ करने के बाद जब हमें समझ आ गई बात और उस बात को मैंने यहां पर वर्ड्स में यानी कि लिख दिया डेफिनेशन की फॉर्म में तो क्या लिखा हुआ भाई लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम

के इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट होती हैं और कौन सी नहीं होती ये देखिए मैंने आपका और अपना दोनों का टाइम बचाकर यहां पर कुछ चीजें लिख दी हैं जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट एंड विच आर नॉट यानी कि आपके सामने वन टू ट्वेल्व ये बारह मैंने आपके सामने फॉर्मूला या फिर इक्वेशन लिखी हुई है आपने इन बारह में से प्रूव करनी है कि वो कौन कौन सी इक्वेशन हैं जो जो डायमेंशनली करेक्ट हैं और कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है अच्छा डायमेंशनली करेक्ट होना और ना होने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं देखो किसी भी इक्वेशन की दो साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अगर बराबर आ जाए राइट हैंड साइड की डायमेंशन के तो हम हर उस इक्वेशन को कहते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट यानी कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है ठीक है अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं यहां पर इतफाक की बात यह है कि जितनी भी इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है बारा की बारा, इन 12 की इन 12 के अंदर लेफ्ट पर कोई भी एक टर्म मौजूद है जैसे यहां पर लेफ्ट पर कौन है डिस्टेंस जैसे यहां पर लेफ्ट पर कौन है या आ गया हमारे पास टाइम पीरियड जैसे यहां पर लेफ्ट पर कौन है फ्लूड फ्रिक्शन जैसे यहां पर लेफ्ट पर कौन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो इन बारह इक्वेशंस में हर एक इक्वेशन के लेफ्ट पर सिर्फ हमारे पास एक टर्म मौजूद है है हाँ ना ये देखो सबके सब, सब लेफ्ट पर एक एक टर्म है एक एक टर्म है लेकिन राइट साइड पर किसी में एक टर्म है और किसी में दो से एक से ज्यादा टर्म्स है जैसे भाई यहां पर राइट हैंड साइड पर कितनी टर्म्स है एक और दो मैंने आपको बताया था ना ए और टी को अलग काउंट नहीं करेंगे ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक टर्म है तो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर दो टर्म्स हैं ये और ये इसमें भी कितनी है एक वी टर्म एक पूरी है और हाफ ए स्क्वायर ये भी एक टर्म है तो इसमें दो टर्म्स इसमें भी दो टर्म्स राइट हैंड साइड पर इधर चेक करें तो यहां पर एक टर्म है टू और एक टर्म है वी आई स्क्वायर यानी कि इसकी राइट साइड पर भी दो टर्म्स हैं लेकिन पर ये पूरी एक टर्म है पर ये पूरी टर्म है यहां पर ये पूरी एक टर्म है पर पर ये पूरी एक टर्म है। पर ये पूरी एक टर्म है। पर ये पूरी एक एक टर्म टर्म है है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ जाए इक्वल आ जाए तो हम हर उस इक्वेशन को कहते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है अब देखें हमें एक एक करके प्रूफ करनी है बारह की बारह प्रूफ, कर प्रूफ कराऊंगा आपको और आगे एडवांस के अंदर से करेक्ट प्रूफ होगी तो हम यहां पर लिख देंगे ब्लैंक इन ब्लैंक ब्लैंक क्या यह डायमेंशनली करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी क्या यह डायमेंशनली करेक्ट होगी या इन करेक्ट होगी तो हमें सिर्फ फिल करना है फिल इन ब्लैंक्स है ना तो ब्लैंक्स में दो ही ऑप्शंस आएंगे या तो करेक्ट आएगा या इनकरेक्ट आएगा कब करेक्ट आएगा कब इनकरेक्ट आएगा यह हम प्रूव करने जा रहे हैं तो भाई बड़ा काम की वीडियो आपके लिए आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं तो इसको चेक करते हैं एक एक करके प्रूव करते हैं तो देखते रहिएगा कॉपी पेन्स वगैरह अपने साथ रखें नोट करते जाएं मैं एक दफा चेक कर लूं कि हाँ भी फ्रेम वगैरह आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है परफेक्ट आ रहा है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन से सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो और वो क्या लिखी हुई है वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए इंटू टी इसको प्रूव करना है कि ये करेक्ट इक्वेशन है या करेक्ट इक्वेशन नहीं है ओके हियर डाइमेंशंस ऑफ डाइमेंशंस ऑफ सबसे पहले आपने क्या करना है एक डेटा बनाते हैं जैसे आप जब भी न्यूमेरिकल या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम एक डेटा बना लेते हैं ना कि गिवन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और रिक्वायर क्या है तो डायमेंशन को जब आपको प्रूफ करना हो किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट प्रूफ करना हो तो यहां पर भी हम एक छोटा सा डेटा बनाते हैं और ये डेटा कौन सा डेटा होता है डायमेंशनल डेटा होता है हमें वैल्यूज गिवन नहीं होती हम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखते हैं हर एक टर्म की डायमेंशन लिखेंगे ठीक है फिजिकल क्वांटिटी की बल्कि सबसे पहले हेयर डायमेंशन ऑफ वी और वी सेम है तो मैं लिखूंगा भाई डायमेंशन ऑफ वी और वी दोनों बिलोसिटीज हैं इनकी डायमेंशन क्या होंगी कैपिटल एल कैपिटल एल ठीक है देन वी हैव कॉमा लगा रहा हूं उसके बाद कौन आ रहा है एक्सेलेशन तो डायमेंशन ऑफ ए वो क्या होती है मैंने आपको बताई भी पहले भी एल टी पावर माइनस टू यह आगे एक्सेलेशन की डायमेंशन इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसको ड्राइव किया था मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी मैं आपको डिराइव नहीं करवाऊंगा मैं डायरेक्टली बनाऊंगा तो अगर आपको पता लगानी हो कि वेलोसिटी की ये डायमेंशन कैसे बनी सॉरी एल नहीं बल्कि एल टी पावर माइनस वन एल टी पावर माइनस वन ठीक है और एक्सेलेशन की एल्टी पावर माइनस टू कैसे बनी तो उसके लिए आपको मेरी फर्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा उसमें सिर्फ मैंने इन दोनों की नहीं बल्कि ठीक ठाक फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन मैंने वहां पर आपको करवाई थी देन वी हैव और Vi, दोनों velocities, क्योंकि हैं तो इनकी डायमेंशन सेम देन एक्सलेशन की डायमेंशन एल्टी पावर माइनस टू और बच गया कौन टाइम स्मॉल टी स्मॉल टी टाइम है तो इसकी डायमेंशन क्या होती है कैपिटल कैपिटल टी अब क्या करना है हमें इन इक्वेशंस को जो आपने डेटा बना लिया ये हमारा डेटा कहलाता है

ये आ गया पॉजिटिव और उसके बाद कौन है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की क्या लिखी हुई है भाई एल टी पावर में तो लेफ्ट की आपकी डायमेंशन पुट करी और राइट right साइड पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी सबकी डायमेंशन आपने पुट कर दी वेलोसिटी की ये रही, ठीक है, एक्सेलेशन की, रही, L t power minus 2 t की t, ये एल्टी पावर माइनस टू और स्मॉल टी की कैपिटल टी ये लिख दिया अब हमें right side पर सॉल्व करना है सॉल्यूशन करना है तो जनाब L t inverse, इसको same रहने दो इसको रहने रहने दो, फिलहाल इस वाली टर्म को भी एल टी इनवर्स ऐसा है इसको भी सेम रहने दो प्लस करते हैं प्लस के बाद हाँ यहां पर सॉल्यूशन की गुंजाइश बाकी है अभी देखो माइनस टू और इस टी पर कुछ नहीं है तो प्लस वन माइनस तो टू और प्लस वन ये भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं पहले तो ये ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ एल टी पावर माइनस वन एल टी पावर माइनस वन अच्छा ना exactly जैसे आप लिखते हैं ए प्लस ए बराबर होता है टू ए के या आप लिखते हैं ए बी प्लस ए बी ये बराबर होता है टू ए बी के तो जब भी सेम टर्म्स होती हैं और ऐड हो रही होती हैं तो आपने सिर्फ टू लगाना होता है ऐसा है तो ये देखो एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स क्या बन जाएगा टू एल टी इनवर्स क्योंकि दो दफा हैं और ऐड हो रहे हैं तो देखें क्या हो जाएगा जनाब एल टी पावर माइनस वन इज इक्वल टू टू एल टी पावर माइनस वन ऐसा है ट्वाइस हो गया टू टाइम्स हो गया और फाइनली जब आप सारी सॉल्यूशन कर लें और आपको इन दी एंड अगर कोई नंबर नजर आ रहा हो तो आप उस नंबर को क्या करते हैं निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती तो यहां पर हमें एक नंबर नजर आ रहा है और वो नंबर कौन है टू सो यहां पर मैं लिख दूंगा बाय निटिंग निग्लेक्टिंग हम टू को निग्लेक्ट कर देंगे निगलेक्टिंग टू तो जब टू को निग्लेक्ट कर दोगे तो लेफ्ट साइड पर क्या बचा हुआ है एल टी पावर माइनस वन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू राइट पर क्या बच गया टू को हटा दो सिर्फ क्या बचा हुआ है एल टी पावर माइनस वन क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपको सेम नजर नहीं आ रही तो आप बोलेंगे सर नजर आ रही है और बिल्कुल सेम है तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें पता चला कि इस फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ गई इसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड की डायमेंशन के तो हैंस वी हैव प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट तो जनाब अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ जाए राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हो जाए बराबर आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तो वहां पर हम लिखने जा रहे हैं उस ब्लैंक में हम लिखने जा रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट तो मैं आपको लिख देता हूं डायमेंशनली करेक्ट ठीक है यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई है जल्दी से इसको नोट कर लो फिर हम सेकंड okay. की तरफ चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है पता चलेगा जो भी होगा करेक्ट या इनकरेक्ट हम यहां पर ब्लैंक में फिल कर देंगे तो सबसे पहले मैंने आपके सामने इक्वेशन यहां पर लिख दिए अगेन वही काम करते हैं जो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें डेटा बनाना होता है तो डेटा क्या बनाएंगे हेयर डायमेंशन ऑफ अच्छा ऑफ के बाद अब चेक कर लो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन है सबसे पहले आ रहा है एस एस फॉर डिस्टेंस भाई डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल एल ये आ गया सबसे पहले कॉमा लगा देते हैं के बाद कौन आ रहा है Vi. Vi मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी है velocity की डायमेंशन क्या बताई भी हमने गईनस वन एल टी पावर माइनस वन यह आ वेलोसिटी की डायमेंशन देन उसके बाद आ रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी कॉमा लगा देता हूं स्मॉल टी फॉर टाइम और टाइम की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके बाद आ रहा है ए और ए फॉर एक्सेलेशन एक्सिलेशन की क्या पढ़ी थी हम लोगों ने क्या ड्राइव की थी एल टी पावर माइनस टू विद्वाट खत्म क्योंकि टी दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम यहां पर ऑलरेडी दोडी कर चुके हैं सो दिस इज एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट तो एस की डायमेंशन इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन टाइम की डायमेंशन और एक्सेलेशन की डायमेंशन नाउ वी आर गोइंग टू पिट पुट ऑल दीज डायमेंशन इन द गिवन इक्वेशन इसमें पुट करते हैं एक एक करके चलो भाई एस की जगह मैं क्या पुट करूंगा कैपिटल एल

t पावर माइनस टू और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद कौन बच गया स्मॉल t स्मॉल t की क्या है कैपिटल t तो यह आ जाएगा कैपिटल t और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर समझ आई बात आप हाँ कैसे इसको रीड करेंगे देखें भाई s इज इक्वल टू इसको चेक करना मैं कैसे रीड कर रहा हूं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर समझ आई बात समझ रहे हैं तो ये यह हमने यहां पर

अपॉइंट टू को सेम सेम रहने दो अभी नंबर्स को निगलेक्ट करना नंबर्स को हम निगलेक्ट करते हैं हमेशा जो है वो सारी सॉल्यूशन कर लो नंबर्स को हम निगलेक्ट करेंगे सबसे एंड में पहले एड सब जो भी करना है सब कुछ कर दो उसके बाद निग्लेक्ट करेंगे हम हमेशा ठीक है सो वन अपॉइंट टू अच्छा भाई माइनस का टू प्लस का टू यानी कि टाइम की डायमेंशन कैंसिल सिर्फ क्या बचा हुआ है कैपिटल कैपिटल एल इधर भी सिर्फ कैपिटल एल बच गया और इधर भी सिर्फ कैपिटल एल बच गया अच्छा इधर एल के साथ कुछ नहीं है तो कौन है वन इधर एल के साथ कौन है ऑलरेडी वन अपॉइंट टू यानी कि वन कंप्लीट एल में हमें ऐड करना है हाफ एल यानी वन एल प्लस वन अपॉइंट टू एल वन में ऐड कर दो हाफ तो आपको पता है आंसर आ जाएगा थ्री अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट टू जैसे इसका मैं बताऊं आपको तरीका ए प्लस टू ए बताओ किसके बराबर होगा थ्री ए के इसके साथ कुछ नहीं है तो वन है तो वन प्लस टू क्या बन जाएगा थ्री ए

एल ये कैसे बना जब आप कंप्लीट एल में हाफ एल को एड करोगे तो आंसर क्या बचेगा थ्री बाय टू एल और लेफ्ट पर तो है ही कौन एल ठीक है सबसे एंड में क्या करना होता है हमें सब सारा सॉल्यूशन खत्म हो जाए अगर आपको कोई नंबर नजर आ रहा हो आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि नंबर्स हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती तो by, neglecting, ये लिख देते हैं हम लोग बाय निग्लेक्टिंग थ्री बाय टू जब आप थ्री बाय टू को निक्लेक्ट कर देंगे तो लेफ्ट पर बचा हुआ है कैपिटल एल और राइट right पर भी अब क्या बच गया कैपिटल एल तो जनाब मुझे बताएं कि क्या ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट हुई या नहीं हुई तो आप बोलेंगे हो गई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो डायमेंशन है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड पर बच गई सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट तो यहां पर हम इस ब्लैंक में पुट कर देते हैं डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों डायमेंशनली करेक्ट है ये सोल्यूशन नोट कर लो फिर आगे चलता है ये रही हमारे पास थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ना अब इसको भी हमें प्रूव करना है और थर्ड इक्वेशन क्या लिखी हुई है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस माइनस वी आई स्क्वायर सॉरी माइनस नहीं, बल्कि यहां पर क्या आ जाएगा प्लस वी आई स्क्वायर ठीक है प्लस वी आई स्क्वायर तो ये आ गया हमारे पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस प्लस वी आई स्क्वायर इस इक्वेशनल डायमेंशन करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी हो वो प्रूव करना है ठीक है अच्छा ऑलरेडी मैं डेटा बना चुका हूं सबसे पहले कौन आ रहा है वी एफ और वी आई दोनों, तो दोनों की डायमेंशन क्या पुट करेंगे एल टी इनवर्स फिर हमारे पास आ रहा है एक्सेलेशन इसकी डायमेंशन ये लिखी हुई एल टी पावर माइनस टू फिर हमारे पास आ रहा है एस डिस्टेंस तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल एल तो जनाब एक काम ही करते हैं एक एक करके डायमेंशन को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो सबसे पहले वी एफ स्क्वायर और तो vf की जगह मैं क्या पुट करूंगा lt इनवर्स सो lt इनवर्स और इस पर क्या लगा हुआ है इस पर लगा हुआ है कंप्लीट पर लगा हुआ है स्क्वायर ये आ गया स्क्वायर ठीक है square. आगे चलते हैं इज इक्वल टू फिर आ रहा है 2 as सबसे सब पहले 2 लगा दो ऐसे ही फिर आ रहा है एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन की क्या पढ़ी हम लोगों ने lt पावर -2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट फिर हमने पढ़ा s की s की क्या कैपिटल l और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट फिर आ रहा है प्लस Vi और वी आई की भी क्या है एल टी पावर माइनस वन एल टी पावर माइनस वन और कंप्लीट के ऊपर लगा हुआ है के ऊपर तो और एक यहां लगा हुआ है वी आई के ऊपर बाकी हमें सॉल्व करना है अच्छा स्क्वायर कर लेते हैं ये देखो ये स्क्वायर एल पर भी होगा और ये स्क्वायर इसके जाके, जाके, जाके मल्टीप्लाई करेगा तो टू वन सा टू हो जाएगा तो क्या बनना चाहिए एल स्क्वायर एन टी पावर माइनस टू ये तो बन गई लेफ्ट की अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं टू टू को सेम रहने दो अभी पहले subtract, सब कुछ कर लो उसके बाद एंड में जब नंबर बच जाए ना जब वो किसी काम के ही ना हो उसके बाद निग्लेक्ट करना ठीक तो है तो फिलहाल अभी निग्लेक्टली कर रहे क्या बताओ एड सब ट्रैक करने की जरूरत पड़ जाए तो टू को टू रहने दो अच्छा ये देखो एल और एल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर और टी पावर माइनस टू इन स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लस प्लस के बाद अगेन ये स्क्वायर एल पर भी और टू बन जा माइनस टू तो ये बन जाएगा एल स्क्स टू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा एल स्क्स टू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आगे चलते हैं ये चेक करो एल स्क् टी पावर माइनस टू एल स्क् टी पावर माइनस टू बिल्कुल सेम है इसका मतलब ये दोनों टर्म्स एड हो रही हैं इस टर्म के साथ टू है और इस टर्म के साथ वन है नहीं लिखते वन को तो वन है तो टू प्लस वन क्या बनेगा थ्री सो थ्री एल स्क्वायर एंड टी पावर माइनस टू और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स हाँ भाई मैंने आपको बताया नंबर को फिलहाल रहने दो जब तक आपको लग रहा हो एड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ जाएगी जब सारा सॉल्यूशन हो जाए अब आपको लगे कि नंबर बिल्कुल फजूल में लिखा हुआ है तो आप उसको वहां से हटा दें निग्लेक्ट कर दें जब वो किसी काम का ना रहे मतलब ना एडिशन बाकी हो ना सब्ट्रैक्शन बाकी हो फिर जाके आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं तो अब इसका मतलब हम यहाँ पर इस थ्री को निग्लेक्ट करें थ्री कहां से आया टू प्लस वन ये टर्म टू टाइम्स है और ये टर्म वन टाइम है तो टू प्लस वन बिकम्स थ्री तो क्या लिखेंगे हम लोग बाय निग्लेक्टिंग निग्लेक्टिंग थ्री तो जनाब जब आप थ्री को निग्लेक्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है एल स्क्वायर एंड टी पावर माइनस टू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू राइट पर भी क्या बच गई एल स्क्वायर और टी पावर माइनस टू तो मुझे बताएं क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बिल्कुल सेम है आप बोलेंगे यस सर हंड्रेड परसेंट सेम है इसका मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है जिस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन उसके राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ जाए हर उस इक्वेशन को हम कहते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन यानी कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तो अगेन यहां पर हम फिल कर देते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट ठीक है तो एक एक करके हम जाते जा रहे हैं और प्रूव करते जाएंगे कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है फिलहाल इसको नोट कर लें फिर हम आगे चलते हैं ये रही हमारे पास फोर्थ इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है टी स्क्वल टू फोर पाए स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी फैक्टर्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं टी का मतलब टाइम पीरियड है तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी पाए एक डायमेंशन लेस नंबर होता है पाए मतलब थ्री पॉइंट फोर वन वन फोर सॉरी

स्क्वायर मतलब टाइम की डायमेंशन टी ही होती है तो तो मैं यहां पर टी स्क्वायर को एज इट इज पुट कर दूंगा ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड अब अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद तो टी स्क्वायर बच जाता है जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम कह देंगे करेक्ट है और अगर टी स्क्वायर के अलावा कोई भी आंसर आ जाए तो हम कह देंगे इनकरेक्ट है ठीक है चलो भाई फोर नंबर यानी कि डायमेंशन लेस होता है पाई भी डायमेंशन लेस होता है बाकी क्या बच गया रेडियस

सॉल्व करने का तरीका ये होगा जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था जो भी फैक्टर्स डिनोमिनेटर में होते हैं तो आप उनको शिफ्ट करके ऊपर लेकर जाते हैं और करते हैं, अगर टू है तो।, तो भाई है, जाके प्लस वन तो हम लिखते नहीं है तो इसका मतलब एम बाकी ये पावर थ्री को पावर टू से हम कैंसिल कर सकते हैं पावर्स कैंसिल हो गए, सिर्फ एल में तो इस एल को शिफ्ट करके ऊपर लेकर जाओ तो क्या बचेगा एल इनवर्स बाकी टी सिंगल है माइनस टू है ऊपर जाके प्लस टू हो जाएगा यानी कि पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो भाई राइट right साइड पर हमारे पास डायमेंशन बच रही है ये हाँ भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप सारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होंगी क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तो देखो ऐसा तो नहीं हुआ फर्स्ट की थ्री इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हुई लेकिन फोर्थ में आके गड़बड़ हो गई है फोर्थ में लेफ्ट की डायमेंशन टी स्क्वायर है और राइट पे टी स्क्वायर नहीं बच रहा इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को कहूंगा कि ये गलत इक्वेशन है ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन तो अब चेक कर लें ये सारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होंगी जैसा कि आपके सामने आ गए यहां पर ठीक है तो चेक करते हैं अब कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा डायमेंशनली इनकरेक्ट डायमेंशनली इनकरेक्ट मेंशन कर दिया मैंने इसको नोट करते हैं आगे चलते हैं ओके जनाब चलते हैं फिफ्थ इक्वेशन की तरफ फिफ्थ और फिफ्थ और फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये कि यहां पर आ, आर स्क्वायर था तो यहां पर आर क्यूब हो गया अपॉन में मास नहीं था तो अपॉन में मास आ चुका है ये डिफरेंस है अब चेक करते हैं क्या ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट होती है जैसे ये इनकरेक्ट हुई क्या ये भी इनकरेक्ट होती है या नहीं इसको चेक करते हैं ठीक है चलो भाई ये ऑलरेडी डायमेंशन लिखी हुई है सबकी बस एक चीज ऐड कर दी मैंने क्योंकि यहां पर जी एम आ गया

क्यूब एंड टी पावर माइनस टू यह आ गई कैपिटल जी की इन टू अब आ गया मास ये आ गए मास की डायमेंशन कैपिटल एम करें सॉल्व बिल्कुल सर सॉल्व करते हैं टी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर सेम है हा भाई एम पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का कैंसिल एल क्यूब पॉजिटिव एल क्यूब पॉजिटिव दोनों ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर्स हो साइंस के साथ हो तो कैंसिल हो जाती हैं कैंसिल कर दिया सिर्फ टी पावर माइनस टू बचा हुआ है इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ ये बच जाएगा टी स्क्वायर हां भाई क्या यह भी इनकरेक्ट हुई या करेक्ट हो गई तो आप बोलेंगे सर यह वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बिल्कुल सेम आ गई हेंस दिस इक्वेशन द फिफ्थ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट सो लेट्स राइट इट हियर डायमेंशनली करेक्ट नोट करें आगे चलता है okay. यह रही हमारे पास सिक्स इक्वेशन टाइम पीरियड की इक्वेशन है टू पाए रेडिकल एल ओवर जी फैक्टर्स क्या है टी फॉर टाइम पीरियड टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी टू पाए एक डायमेंशन कैपिटल एल जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी डायमेंशन एल टी पावर माइनस टू क्योंकि ग्रेविटेशनल है पहले लेकिन है क्या एक्सेलरेशन तो डायमेंशन क्या है एक्सिलेशन वाली एल टी पावर माइनस टू लेट्स पुट ऑल दीज डायमेंशन इन द गिवन इक्वेशन कैपिटल टी की जगह कैपिटल टी रहेगा लेफ्ट साइड पर ये आ गई टाइम पीरियड की डायमेंशन

अंडर 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 रेडिकल 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 यहां यहां पर पर आ गया under radical. अच्छा भाई लेंथ लेंथ और कैंसिल हो जाएगा टी पावर माइनस टू है ऊपर जाके प्लस टू हो जाएगा तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू ये टी नीचे पावर की जाके, positive हो जाएगी स्क्वायर और स्क्वायर के साथ ये हमारे पास मौजूद है किसमें रेडिकल के अंदर तो आपको पता है ना स्क्वायर और रेडिकल आपस में क्या हो जाता है रेडिकल स्क्वायर को क्या कर देता है कैंसिल तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है टी और राइट हैंड साइड पर भी क्या बस गया स्क्वायर कैंसिल हुआ है कैंसिल नहीं हुआ तो टी बचेगा तो राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ टी बच चुका है तो मुझे बताएं आप क्या कह रहे हैं इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है तो आप बोलेंगे यस सर दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट सो लेट्स राइट अगेन डायमेंशनली करेक्ट तो इसका मतलब सिक्स इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है नोट कर लें आगे चलते हैं ये रही है हमारे पास अब सेवेंथ इक्वेशन एच इज इक्वल टू टू टी कॉसिटा ओवर आर डी जी अब फैक्टर्स क्या है एच फॉर हाइट है हाइट की डायमेंशन कैपिटल होती है यहां पर जो टी आ रहा है टी का मतलब सरफेस टेंशन है इससे पहले वीडियो में मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं इसकी डायमेंशन बहुत सारी डायमेंशन हम बना चुके हैं कैलकुलेट कर चुके हैं तो मैं यहां पर डायरेक्ट बता रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं ठीक है ना तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन भी हमने कैलकुलेट की थी वो क्या आई थी एम पावर माइनस टू पावर माइनस यहां पर जो कॉस ठीटा आ रहा है एंगल वाला पार्ट आ रहा है याद रखिएगा कॉस ठीटा हो साइन ठीटा हो टेंजन ठीटा हो इन फैक्टर्स की डायमेंशन नहीं होती तो ये कॉस ठीटा क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया इसको हम निगलेक्ट कर देंगे शुरू में डिवाइड में हमें बस आर आ रहा है आर का मतलब रेडियस है डायमेंशन कैपिटल एल होती है डी का मतलब डेंसिटी है इसकी भी डायमेंशन मैंने आपको कैलकुलेट करवाई है डेंसिटी की डायमेंशन क्या आई थी एम एल पावर माइनस थ्री फिर हमारे पास जी बच गया जी का मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एल टी पावर माइनस टू इन तमाम डायमेंशन को इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं एक एक करके सबसे पहले लेफ्ट साइड पर एच की एच की डायमेंशन क्या है कैपिटल कैपिटल आ गया, गया इज इक्वल टू राइट साइड पर टू है टू को निकलेक्ट कर देते हैं सिर्फ टी की पुट करते हैं टी की डायमेंशन यानी कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन एम और टी पावर माइनस टू यह आ गई टी की सरफेस टेंशन की डायमेंशन कॉसा की नहीं है और टू की नहीं है हमने इनकी डायमेंशन को पुट नहीं किया आर डी जी सबसे पहले आर की डायमेंशन कैपिटल एल उसके बाद डी की डेंसिटी की ये लिखी हुई एम एल माइनस थ्री उसके बाद जी की एल टी पावर माइनस टू एल टी पावर माइनस टू ये आपने सारी डायमेंशन पुट कर दी अब इनको सॉल्व करते हैं याद रखिएगा लेफ्ट पर सिर्फ और सिर्फ एल मौजूद है आगे चलते हैं सॉल्व करते हैं सबसे पहले चेक करते हैं कौन कौन फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं मास से मास। M, M कैंसिल हो चुका है और अगर हम बात करें तो ये देखो माइनस टू अच्छा ये तो ऊपर जाके ऐड हो सकता है ठीक है अच्छा एक चीज और यहां पर जो है वो आ, ये एल और ये एल जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर के साथ माइनस थ्री मौजूद है यानी कि अगर नीचे की बात करें तो एल एल इंटू एल स्क्वायर और स्क्वायर के साथ एल क्यूब यानी कि प्लस टू और माइनस थ्री आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन इसका मतलब डिनोमिनेटर में एल पर पावर क्या बच रही है -1. तो यहां पर अपॉन में लिख देते हैं सही है सबसे सब पहले काम ही करते हैं टी को भी चेक कर लेते हैं तो देखो भाई टी की अगर हम बात करें तो नीचे हमारे पास मौजूद है आ, सेम बल्कि कैंसिल कर दो माइनस टू माइनस टू कैंसिल बाकी अपॉन में सिर्फ हमारे पास क्या बचा हुआ है अपॉन में हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एल और माइनस माइनस वन ऐसा है कैलकुलेशन करने के बाद स्क्वायर हो गया था यानी कि पावर टू और पावर माइनस थ्री तो माइनस थ्री में से प्लस टू गए तो क्या बचेगा माइनस वन बाकी एम एम कैंसिल हो गया पावर माइनस टू माइनस टू कैंसिल हो गया टाइम का अब लास्ट स्टेप है इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ तो ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है पॉजिटिव और पॉजिटिव पावर प्लस वन को हम लिखते नहीं है प्रूव्ड हाँ भाई डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो, सर, तो आप बोलेंगे सर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं ये वाली इक्वेशन है ना डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर सेवन नोट कर लें फिर आगे चलते हैं ये रही है हमारे पास eighth equation. Eighth equation मैं आपको नजर आ रहा है है पर new. New का मतलब होता फ्रीक्वेंसी L. L मतलब की डायमेंशन हमने पढ़ चुके हैं पहले फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी इनवर्स लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल रेडिकल के अंदर कैपिटल टी इस बार जो कैपिटल टी आ रहा है इसका मतलब होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग टेंशन और टेंशन फोर्स होती है टेंशन फोर्स होती है जैसे वेट फोर्स होता है जैसे फ्रिक्शन फोर्स होती है इसी तरीके से टेंशन भी क्या है फोर्स है तो टेंशन की वही डायमेंशन जो फोर्स की होती है और फोर्स की मैं आपको इससे पहले वीडियो में कैलकुलेट करवा चुका हूं ठीक है तो टेंशन की डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस टू बच गया एम कभी कभी एम लिखा होता है कभी कभी म्यू लिखा होता है तो इसका मतलब यह है लीनियर मास डेंसिटी नोट कर लेना

नहीं हो रही सर बिल्कुल रिलैक्स होकर चल रहे हैं प्रैक्टिस के साथ साथ चल रहे हैं ठीक है तो यह आगे टेंशन की एम एल टी पावर माइनस टू और डिवाइड के अंदर मास पर यूनिट लेंथ की डेफिनेशन यानी कि म्यू की क्या लिखी हुई एम एल इनवर्स तो ये आ गई एम एल और इनवर्स ठीक है सारी डायमेंशन को पुट करने के बाद अब हमें सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना तो लेफ्ट पर टी इनवर्स सेम रहेगा क्योंकि यहां पर सिर्फ यही सब्जेक्ट मौजूद है राइट पर फिलहाल हम

तो यहां पर एल वाले पावर्स कैंसिल नहीं हो रही बल्कि एड हो रही है यह डिटेल में हम पिछली वाली वीडियो में प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसका मतलब यहां पर आप गलती से भी एल को कैंसिल नहीं करना बल्कि यहां पर एल जो है वो एड हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर एल पर आ जाएगा स्क्वायर और साथ साथ बाकी जो टी पावर माइनस टू है ये हमारे पास एज इट इज बचा हुआ है तो यहां पर हम लिख देते हैं टी पावर माइनस टू और बाकी ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट नहीं बल्कि कौन है रेडिकल मौजूद है तो यह आ जाएगा रेडिकल ठीक है रेडिकल के अंदर अच्छा अब हमें एक बात पता है रेडिकल जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देता है तो बाहर क्या है बाहर 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 मतलब बार मत देखिएगा घर से रेडिकल के कौन है? तो वन अपॉन एल एज इट इज था ये है टी इनवर्स ठीक है ओके वन अपॉन एल एज इट इज लिख दिया इन टू देखो रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल और रेडिकल से ये स्क्वायर भी कैंसिल अच्छा यहां पर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पावर बची हुई है प्लस वन लेकिन यहां पर जो है स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पावर क्या बची हुई है माइनस वन रेडिकल ने सिर्फ टू को कैंसिल किया है साइन को कैंसिल नहीं किया साइन अभी भी मौजूद है तो अब मैं साइन को सिर्फ माइनस करके तो नहीं लिखूंगा ना माइनस के साथ क्या आएगा माइनस वन तो यहां पर बच गया प्लस वन यहां पर बच गया माइनस वन तो जनाब चेक करें एल से एल कैंसिल सिर्फ आपको क्या बचता हुआ नजर आ रहा है टी इनवर्स और यही हमारे पास लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो टी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड पर और इज इक्वल टू इनवर्स बी कहां पर राइट हैंड साइड पर तो जनाब आप क्या कहेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट आप सब भी करेक्ट कह रहे हैं अगर आपने करेक्ट कहा तो तो मैं यहां पर लिख देता हूं इज डायमेंशनली करेक्ट नोट कर लें पर आगे चलते हैं ये रही हमारे पास नाइंथ इक्वेशन नाइन्थ इक्वेशन में एफ फॉर फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज अ फोर्स तो फ्रिक्शन की डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस टू सिक्स पाए ये डायमेंशन लेस फैक्टर्स हैं ईटा ये एन नहीं है ये ईटा है इसको हम कहते हैं कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी डायमेंशन भी मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका हूं और अगर कैलकुलेट करनी हो फॉरन अभी चेक करने के लिए तो भाई फ्रिक्शन कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है फोर्स अपॉन एरिया इन टू विलॉसिटी ग्रेडियंट विलॉसिटी ग्रेडियंट यह फॉर्मूला नोट कर लें फोर्स की डायमेंशन पुट करना एरिया के पुट करना वेलोसिटी की पुट करना डिस्टेंस की पुट करना इसको सॉल्व करना वैसे ही सॉल्व करना जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था इसको सॉल्व करोगे तो ईटा की डायमेंशन आपको यह मिलेगी ठीक है तो एम एल इनवर्स एंड टी पावर माइनस वन ये फॉर्मला इसका कोपिशन ऑफ स्कोसिटी का आगे चलते हैं अच्छा भाई उसके बाद हमारे पास आर नजर आ रहा है आर का मतलब होता है रेडियस और रेडियस की डायमेंशन कैपिटल एल वी फॉर टर्मिनल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी होती है टर्मिनल तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वेलोसिटी वेलोसिटी है और की माइनस वन सारी डायमेंशन को इस इक्वेशन में पुट करते हैं फ्रिक्शन की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पर राइट की तरफ चलते हैं सिक्स पाए निग्लेक्ट डायमेंशन लेस फैक्टर है ईटा आ रहा है ईटा विस्कोसिटी एम एल इनवर्स एम एल इनवर्स एंड टी इनवर्स या आ गया ब्रैकेट्स के अंदर विस्कोसिटी की डायमेंशन मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा है रेडियस यानी के कैपिटल एल और मल्टीप्लाई में आ रहा है वेलोसिटी वेलोसिटी यानी इनवर्स यह आ गया ब्रैकेट्स के अंदर तो कैसे रीड करेंगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू सिक्स पाए निगलेक्ट कर दिया ईटा आर वी ईटा आर वी सॉल्व करते हैं लेफ्ट सर लेफ्ट पर कौन मौजूद है एम एल टी पावर माइनस टू ब्रैकेट्स इज इक्वल टू चलो राइट right साइड को सॉल्व करते हैं ये देखो हमारे पास जो है आ, एक एल एल कैंसिल हो गया ऐसा है पावर नेगेटिव है पावर पॉजिटिव है कैंसिल हो गया लेकिन अभी भी एक एल बचा हुआ है इस एल को एज इट इज लिख दो अच्छा एम ए की है तो एम को एम रहने दो एल बचा हुआ है एक तो ये एक आ गया एल बाकी टी को चेक करें अगर टी को चेक करें तो देखो माइनस वन और माइनस वन एड हो जाएंगे ना माइनस माइनस प्लस तो टी पर पावर क्या बन जाएगी माइनस वन माइनस वन कितना माइनस टू

स्केप विलॉसिटी का फॉर्मलाइए ना विलोसिटी विलोसिटी की डायमेंशन एल टी इन वर्स बाकी टू डायमेंशन लेस होता है कैपिटल जी का मतलब पहले ही मैं आपको बता चुका हूं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये रही इसकी डायमेंशन अच्छा उसके बाद एम फॉर मास मास की डायमेंशन कैपिटल एम आर फॉर डिस्टेंस और डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल इन सबको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर टेन के अंदर तो इक्वेशन नंबर टेन में पुट करते हैं अगर वी की जगह में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा एल टी पावर माइनस वन या आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर इज इक्वल टू टू को निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि टू डायमेंशन लेस होता है कैपिटल जी की पुट करते हैं एम इनवर्स एल क्यूब एंड टी पावर माइनस टू यह आ गई कैपिटल जी की उसके साथ मास है मास की डायमेंशन कैपिटल एम डिवाइड के अंदर डिस्टेंस है डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल और ये सबके सब, सब स्क्वायर रूट के अंदर आ गए लेफ्ट हैंड साइड अभी भी सेम है एल टी पावर माइनस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं अच्छा सॉल्व कैसे करते हैं जनाब ये रहा एल एल से क्यूब का एक कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर स्क्वायर बच जाएगा है ना तो थ्री में से वन निकाल दो स्क्वायर माइनस वन है और यह प्लस वन है, है मास कैंसिल ऊपर बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म में बाकी टी पावर माइनस टू बचा हुआ है टी पावर माइनस टू बचा हुआ है और अंडर रेडिकल आगे चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है एल टी इनवर्स ब्रैकेट क्लोज आगे चलते हैं हा भाई स्क्वायर सॉरी रेडिकल से ये स्क्वायर भी कैंसिल रेडिकल से ये स्क्वायर भी कैंसिल यहां पर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एल बचा हुआ है सिर्फ पॉजिटिव पावर वन है यहां पर भी स्क्वायर कैंसिल हो गया लेकिन इधर वन है लेकिन नेगेटिव बताएं डायमेंशनली करेक्ट या फिर इनकरेक्ट तो आप बोलेंगे सर डायमेंशनली करेक्ट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ गई राइट हैंड साइड की डायमेंशन के सो हेंस वी कैन से दैट इक्वेशन नंबर टेन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट नोट करें फिर आगे चलते हैं टेंथ इक्वेशन को प्रूव uh, करने के बाद अब आप बोलेंगे सर क्या हुआ आपने रब नहीं किया वैसे आप रब करते जा रहे हैं अभी आपने रब नहीं किया तो काम करते ना मैंने आपको इन ट्वेल्व इक्वेशन में से uh, दस तो प्रूव करवा दी हैं बाकी कितनी रह गई दो रह गई ना इलेवेंथ और ट्वेल्थ सारी मैं ही करवाऊंगा क्या फिर आप क्या करोगे आपके लिए तो भी कोई काम छोड़ना चाहिए ना जाहिर सी बात है तो देखो टेन इक्वेशंस को मैंने आपको प्रूव करना सिखाया है टेन इक्वेशन्स कम नहीं होती तो इन टेन इक्वेशंस के काम को प्रैक्टिस को नोट करते हुए अब आपका काम है आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपने इलेवंथ और ट्वेल्थ इक्वेशंस को प्रूव करना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है अच्छा क्योंकि जो है वो आप कमेंट्स करते हैं फिर मैं आपको जो है वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता है बेसिकली तो मैं काम ही करता हूँ मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ ऑलरेडी कि दोनों इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इलेवंथ इक्वेशन जो है यह भी करेक्ट है और जो ट्वेल्थ इक्वेशन है यह भी करेक्ट है ठीक है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दीज बोथ इक्वेशन आर ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एडवांस में बता दिया अब हाँ आपका काम है जिस तरीके से मैंने इतनी सारी क्वेश्चन को प्रूफ करके चेक किया कि कौन सी करेक्ट आ रही है कौन सी इनकरेक्ट आ रही है तो अब आप इसको प्रूफ कर देना मैंने आपका आधे से ज्यादा काम कर दिया यह बता दिया कि दोनों ही डायमेंशनली करेक्ट है सिर्फ आपने प्रूफ करना है और यह प्रूफ करना है कि हाँ भाई करेक्ट है और अगर आपका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा होगा इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा आपका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए ठीक है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं नोट uh, कर लो पेंसिल या पेन कॉपीज वगैरह आप नोट कर लिए स्मॉल जी का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की डायमेंशन लिख लो एक्सेलरेशन की पुट करिएगा एल टी पावर माइनस टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यह लिखिए इसकी डायमेंशन नोट कर लो कैपिटल एम मतलब मास है मास की डायमेंशन कैपिटल एम पुट करेंगे आर मतलब डिस्टेंस है तो आर की जगह पर डिस्टेंस यानी कि कैपिटल एल की पुट करेंगे और एल के ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे सबके बता दिए तो लेफ्ट पर इसकी जो डायमेंशन है राइट right पर भी वही बचनी चाहिए तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट होगा वरना गल, गलत हो जाएगा ठीक है ट्वेल्थ इक्वेशन पे स्मॉल टी आ रहा है फॉर टाइम टाइम की होती है कैपिटल टी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा कैपिटल टी अच्छा रेडिकल के अंदर टू को निगलेक्ट कर देना एच फॉर हाइट और हाइट की डायमेंशन होती है कैपिटल एल नोट कर लो एच की होती है कैपिटल एल और स्मॉल जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि एल टी पावर माइनस टू नोट कर लो एल टी पावर माइनस टू तो इसको सॉल्व करना ये भी आपके पास डायमेंशनली करेक्ट आना चाहिए तो जनाब आज की इस सेकेंड वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस की सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को डिस्कस किया सीखा समझा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होती है उसके बाद हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया ये वाला पार्ट सॉल्व किया इंपॉर्टेंट पार्ट होता है है ना जिसको हम कहते हैं कि प्रूव करना इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है तो हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस करी है। बारह इक्वेशंस थी ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस हैं आप जिसको चाहो प्रूव कर सकते हो तरीका मैं आपको दे चुका हूँ तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ ठीक है इसके बाद यह है कि आपके सामने कोई भी इक्वेशन आ जाए इन्हीं तरीके से इसी वे से जो मैं आपको समझा चुका हूँ दस इक्वेशंस तक आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रूव कर देना है कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि डाइमेंशंस हमें ये बता सकती हैं डायमेंशन हमें हेल्प करती हैं इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस यानी कि इक्वेशंस की करेक्टनेस को चेक करना हो तो आपके सामने ये मैथड मौजूद है डायमेंशंस वाला आप इससे चेक कर सकते हैं यहां तक बात क्लियर है तो फिलहाल यानी कि फाइनली फिलहाल नहीं बल्कि फाइनली हमने डायमेंशन वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया ठीक ठाक पोर्शन है है ना तकरीबन कोई एक घंटा बीस मिनट वन आवर एंड ट्वेंटी मिनट्स की वीडियो मैंने फर्स्ट बनाई थी डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट पार्ट और इसी तरीके से लेंथी वीडियो हमारे पास कुछ ये बन रही है तो अगर आप नोट करें तो तकरीबन मोर देन टू आवर्स ना मोर देन टू आवर्स ठीक ठाक होते हैं तो हमने सिर्फ इन टू आवर्स से ज्यादा में हमने सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन को डिस्कस किया है होपफुली आपके डायमेंशन से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे या मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे समझ, तो समझ आ गए होंगे आपको तो इन दी एंड वही जिसा बिटा जुमला सर अरफात का वही कि समझ आ गई वीडियो तो लाइक करें कमेंट करें और अपने अपने आंसर्स बता दिएगा हाँ एक काम और कर देना आंसर्स बता देना सर डन सर डायमेंशनली प्रूव हो गया करेक्ट आ गया करेक्ट आ गया करेक्ट आ गया मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का आपको पता है मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ रिस्पॉन्ड करने का मतलब है मैं हर्ट हर कमेंट के ऊपर मैं हर्ट लाजमी शेयर करता हूँ या लाइक ज़रूर करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाती होगी कि सर अरफात ने हर्ट दिया है आपको या लाइक किया है ठीक है तो मैं देखता जरूर हूँ कमेंट्स भले मैं रिप्लाई ना करूँ सबको लेकिन मैं देखता जरूर हूँ और मैं हर्ट या लाइक ज़रूर करता हूँ ठीक है तो आपने सब ने मुझे ये बताना है कि हाँ भाई डायमेंशनली करेक्ट आया या नहीं आया तो आप मुझे बताएंगे सर डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट ठीक है आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू